अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, खैरियत से हैं। मैं अब जो रिव्यूज़ बनाऊंगी वो बिल्कुल शॉर्ट होंगे और क्विक होंगे, टू द पॉइंट होंगे। और क्योंकि इतने ढेर सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं और आई वर्क, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबका जो है वो जवाब दूँ, कि काफ़ी ज़्यादा फिर स्टॉल हो जाते हैं, तो मुझे भी फिर बुरा लगता है कि किसी के कमेंट्स का रिप्लाई जो है वो नहीं होता या देर से होता है, तो मुझे भी उसकी फ़िक्र होती है। सो आई हैव डिसेबल्ड कमेंट्स, तो बट यू कैन चेक ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके अंदर मैं सारी डिटेल्स लिख दूंगी। अगर कोई लिंक हुआ या कोई एक्स्ट्रा चीज़ हुई तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आज मैं आपके लिए रिव्यू करने वाली हूँ वाटिका हेयर मेयोनेज़, ठीक है? इसका बहुत हाइप है इंटरनेट के ऊपर। पाकिस्तान में तो लड़कियां बड़ी फिनेटिक हैं इस प्रोडक्ट को लेकर, तो इसी प्रोडक्ट के जो है ना, बस वो रेव रिव्यूज़ सुनने के बाद जो है इसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि कहाँ से ऑर्डर किया था। ओरिजिनल इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, इसकी कीमत सिर्फ 1,000 रुपये है, और जो लोग इसको दराज पे या दूसरी जगहों के ऊपर 1,000 से ज़्यादा का बेच रहे हैं तो वो गलत है, वो लूट मार कर रहे हैं। इसकी प्राइस सिर्फ 1,000 रुपीज़ है। पैकेजिंग ऐसी है, इसके डिफरेंट जो है वो आते हैं टब्स, डिफरेंट सॉरी इनके इंग्रेडिएंट्स आते हैं। तो ये जो है एक्सट्रीम मॉइस्चराइजिंग वाला जो है टब है वो मैंने यहाँ पे ख़रीदा है, और इसमें कोकोनट ऑयल, आई थिंक कोकोनट ऑयल और भी एग प्रोटीन और कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मैं अब आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए काफ़ी बड़ा टब है, जो ही इसको खोला जाता है बहुत इसकी खूबसूरत सी एक अच्छी सी जो खुशबू है ना वो आती है, और अंदर से बिल्कुल ये ऐसा है जैसे मेयोनेज होते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा है जैसे ये देखिए मेयोनेज होता है, ठीक है, विप्ड क्रीम की तरह। इसको यूज़ करने का तरीका जो इनके इन्होंने इस टब पे लिखा हुआ है वो ये है कि आप जो है इसको एज अ हेयर मास्क अपने स्कैल्प पर और अपने बालों की लेंथ में, पूरे बालों में लगाइए, छोड़ दें 3 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा, जितना भी आप रखना चाहते हैं। उसके बाद अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए, तो उसके बाद जो है आपके बाल बहुत स्मूथ और सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। इस मेथड से जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो बहुत ही मुझे ना फजूल रिजल्ट मिला। वैसे मेरे बाल बिल्कुल फ्रिजी नहीं है, इसको यूज़ करने के बाद मेरे बाल बालों में जैसे फ्लाईओवर नहीं होता, जैसे फ्लाईओवर तो नहीं है सॉरी, बट वो जो ऐसे बाल फ्रिज की तरह ऊपर खड़े हो जाते हैं, इस तरह का कोई टेक्सचर हो गया था, और बाल बिल्कुल भी जो है ना अजीब से हो गए थे, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, 2 दिन तक खुशबू इसकी बालों में रही, खुशबू बहुत अच्छी थी, तो मुझे नहीं समझ आई कि लोग इसको क्यों इतना इस्तेमाल करते हैं, ये तो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, मतलब नहीं अच्छा प्रोडक्ट। तो काफ़ी बड़ा टब है ये बाय द वे, और ये आपको कैमरा में शायद छोटा ना लग रहा हो मगर ये काफ़ी बड़ा टब है, 1,000 रुपये में आता है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको ना एज अ कंडीशनर इस्तेमाल करूँ वॉश करने के बाद, शैम्पू के बाद, तो हो सकता है शायद ये शैम्पू से जब वॉश आउट हो जाता है तो इतना ज़्यादा स्मूथ इफेक्ट नहीं देता। अगर इसे एज ए कंडीशनर यूज़ करूँ तो शायद इसका कोई इफ़ेक्ट आ जाए, मगर इसको लगाने से बाल जो है मेरे फ्रिजी जो हैं वो देखना शुरू हो गए थे और बिल्कुल स्मूथ नहीं हुए। सारी फजूल हाइप है, आई डोंट नो कि क्या पसंद आए लोगों को इसके बारे में। इसको मैं दोबारा बिल्कुल भी नहीं ख़रीदूँगी, और ये मेरा रिव्यू था। हो सकता है आप लोगों के कोई और डिफरेंट ओपिनियन हो इस प्रोडक्ट के बारे में, है तो कल्ट फेवरेट, बट दैट्स अबाउट इट। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।